तो दोस्तों कैसे आप लोग। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, देखिए तो वो है जो कद्य खंड का, पद्य खंड का जो संक्षिप्त परिचय है उसमें जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपके आगे वाले, ये सब क्वेश्चन मैंने जितने भी बताए थे वो आपके टोटल 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। और 5 नंबर देखिए आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है और आपके लिए भी होगा यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, टाइम बर्बाद न करते। प्रगतिवाद युग की 2 विशेषताएं लिखनी है, ये 2 नंबर का है। और रीतिकाल के प्रमुख 2 प्रवृत्तियों को का उल्लेख करना है, ठीक है, ये भी 2 नंबर का है। और ये जो है कि क्या है, 2 2 + 4 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, यदि आप 4 5 चीज़ें याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही क्या होगा, ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए क्या है कि फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। इसमें दे देगा भारतीय युग, ठीक है। आगे जो है कि छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवादी, ठीक है। और अगला क्या है कि रीतिकाल, और रीतिकाल का सामान्य परिचय। तो ये थे क्वेश्चन। तो चलते हैं भारतीय युग क्या है, भारतीय युग के बारे में। तो भारतीय हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उन्होंने कहा है। तो इस युग के कवियों के ने जन भाषा को मारी थी, उनके काव्य भाषा में ब्रज भाषा की प्रधानता रही। इस युग के काव्य में स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रगति चित्र जैसे विषयों का समावेश हुआ है। ये है भारतीय युग के बारे में। और अगला जो है वह द्विवेदी युग के बारे में। तो द्विवेदी युग क्या है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर अगला जो भारतीय युग है वो भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा क्या है स्थापित है। और अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा द्विवेदी युग चला है। अब सरस्वती पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है, तो ये आगे वाले चैप्टर में भी इनको आपको देखने को मिला हो। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर तरुण कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की, ठीक है। श्रीधर पाठक, मैथिली शरणगुप्त, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, हरिऔध, तो ये सब क्या है इनकी जो है कवियों काव्य की रचना की है, ठीक है। तो ये जो इनके राजनाम जैसे साकेत और प्रिय प्रवास जैसे महाकाव्य भी रचे हैं, ठीक है। तो ये थे द्विवेदी युग, द्विवेदी युग से प्रेरित होकर तरुण, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से प्रेरित होकर तरुण कवियों ने खड़ी बोली से में काव्य रचना आरंभ कर दी। ये किसमें किया है, तो ये किया है द्विवेदी युग में, ठीक है। तो अगला है छायावादी युग, छायावादी युग क्या है, तो पहले छायावादी युग को देख लेते हैं। छायावादी युग किस प्रकार से या फिर इससे क्या है, और अगला जो है प्रगतिवाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इस युग का आविर्भाव द्विवेदी युग के बाद हुआ है, ठीक है। वास्तव में छायावादी युग, छायावादी काव्य द्विवेदी युग की, ठीक है, इतिहास वृत्तांत, ठीक है। तो छायावादी काव्य द्विवेदी युग के, ठीक है, प्रतिक्रिया है, उसके क्या है उल्टा है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा प्रमुख छायावादी कवि हैं, ठीक है। छायावादी के प्रमुख आधारस्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। आत्म अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य की भावना, श्रृंगार और प्रेम, ठीक है, ये क्या छायावादी के गुण है। यदि आपको पूछे छायावादी के गुण लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, आत्म अनुभव, ठीक है, आत्म अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम वेदना, करुणा और नारेश्वर की भावना, ठीक है, इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो इस युग में मुक्तक गीतों का प्रधानता रही है, जो कि संगीतात्मक निराला और महादेवी वर्मा के काव्य में नीति का सुंदर विधान है, ठीक है। इसी युग में मानवीकरण का विशेष, ठीक है, विपर्य अलंकारों का खुलकर प्रयोग हुआ है, ठीक है। और अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रगतिवाद युग क्या है, तो प्रगतिवाद युग के बारे में आपको लिखना है। प्रगतिवादी युग में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति मोह कम हुआ और कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। पूंजीवाद का विरोध, सीधे सरल शब्दों में अपनी बात का कहना, इस युग के कवियों की प्रमुख विशेषता रही है, ठीक है, कि पूंजीवाद क्या क्या करना है, विरोध करना है, ठीक है। पूंजीवाद आप सोशल में पढ़ेंगे उससे मुझे नहीं मतलब है, वो आप देख लीजिए। सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामदारी सिंह दिनकर, भक्तिचरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, अंचल, रामविलास शर्मा, सुमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, ठीक है, इनके क्या है प्रमुख कवि थे, ठीक है। और अगला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं वो ये देख लेते हैं हम कि वीर गाथा, ठीक है, आदि, देखिए इसमें क्या है कि हिंदी साहित्य की आदिकाल, ठीक है, आदिकाल की वीर गाथा काल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो वीरों की यशोगान एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण, ठीक है, पूर्ण वर्णन इस काल की कविता की मुख्य विषय है थे, ठीक है, इसलिए हिंदी की आदिकाल को वीर गाथा कहा जाता है, ठीक है। इस काल के प्रमुख रचना का नाम है पृथ्वीराज राशो,
ठीक है। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं वो आदिकाल की वो जो है जैनों तथा सिंधु नाथों धार्मिक प्रवृत्तियों वाले काव्य, ठीक है, वीर एवं श्रृंगार वाले रासो काव्य, ठीक है। अगला है जगनीश रचित रस पार माल, ठीक है, रासो आलखंड, ठीक है, अलाखंड भारत किस हिंदी में कब गाया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हैं तो इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है रीतिकाल, ठीक है। तो रीतिकाल से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग ये सब देख लिए हैं। तो अब रीतिकाल के सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। तो यार टिप्पणी लिखिए, सेम बात है, तो आपके एग्जाम में आया भी हुआ तो आपके लिए क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम विस्तार से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो रीति का सामान्य का तो हिंदी साहित्य में 1643 से 1868 ईस्वी के काल में रीतिकाल कहा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए कितने वर्ष चला था। इस काल में श्रृंगार प्रधानता काव्य और लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। एक विशिष्ट रीति के अनुसार ग्रंथ रचने की प्रवृत्ति के कारण इसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्यों ना जाना जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक विशिष्ट रीति के अनुसार, ठीक है, ग्रंथ रचने की प्रवृत्ति के कारण इसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। और अगला है रीतिकाल, रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं और प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इस काल की दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है, ठीक है। तो रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके आएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए कितना क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो देखिए रीतिकाल की कोई दो प्रमुख लिखिए, ठीक है, रचना का नाम लिखिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, तो रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ नेम लिखिए, ठीक है। तो रीति ग्रंथों की रचना, ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस की प्रधानता और प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। तो ये चार क्या है, इसकी विशेषताएँ हैं, प्रवृत्तियाँ हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं, विशेषताएँ बोल सकते हैं। तो क्या किया गया इसमें, रीति ग्रंथों की रचना की गई है, श्रृंगार रस की क्या किया गया, प्रधानता दी गई है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और प्रकृति के प्रति क्या किया गया, उद्दीपन जो है संवेदनशीलता प्रयोग की गई है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है रीति काल के प्रमुख धाराओं का नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो आप रीति काल में वीर रस की कविता किस कवि, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा। आपको पूछा है कि रीतिकाल के वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो महाकवि भूषण ने क्या किया था, लिखा था, ठीक है। तो ये थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रीतिकाल से रिलेटेड थे। और रीतिकाल से जो है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए रीति रीतिबद्ध धारा के दो कवि लिखे, ठीक है, तो ग्वाल कवि जिनकी जो रचना है वो रसिकानंदन है, और भिखारी दास, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, रस संसार लिखा है, ठीक है। तो ये थे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन दोनों चैप्टर का देखिए आप, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आधुनिक काल, ठीक है। आपको ये जो टेबल याद कर लेना है क्योंकि टेबल से आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। टेबल क्या है, भारतेंदु युग, ये कब 1868 से लेके 1920 तक, ठीक है। द्विवेदी युग 1900 से लेके 1922 तक, छायावादी युग 1919 से लेके 38 तक, ठीक है। और प्रगतिवादी युग कब चला था, 1938-43 तक, और प्रयोगवादी क्या है, अभी तक क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, ठीक है, और रीतिकाल इससे क्या किया गया था, बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है रीतिकाल इससे पहले, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।